वीर तुम बढ़े तो धीर तुम बढ़े। पूरी खड़ी चढ़ाई है, वाट लगनी है पैर की। छोटा बच्चा भी आया शिव जी के दर्शन करने। गणपति जी अभी इधर आ गए। फ्रेंड्स आ चुके हैं, मुझे इस जगह का नाम नहीं पता शिव जी का, तो अभी जा रहे हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो थोड़ी चढ़ाई फिर वैसे जैसे स्तूप में चढ़ के गए थे ना, तो वैसे ही थोड़ा सा चढ़ाई करके जाना है। तो चलिए गाइस चलते हैं। आप लोग का ये दूसरा एड्रेस हो गया केवल स्वेटर उतारने से। अरे मेरा वही पुराना ही वाला है, इन लोग का नया नया हो गया। स्वेटर उतार उतार के चलो न्यू हो गए। लाल दुपट्टा वाली को लाल दुपट्टा क्या लग गया इससे। हेलो देखिए चढ़ाई। नमस्ते। चढ़ते जाना है। ओहो पूरी खड़ी चढ़ाई है, वाट लगनी है पैर की। और ये रोड्स पूरी बन रही है, पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सारी सड़क टूटी हुई है। सब लोग अलग अलग जगह हैं। वो देखिए सपना दी वहाँ पे हैं, और यहाँ से देखिए व्यू, और सोनी दी वो जा रही हैं, और उसके आगे जीजा जी लोग हैं, और मैं बीच में हूँ। मेरे सांस फूल रही है। कुछ देवरिया के लोग आए हुए हैं, कुछ गोंडा के, अगर मिलेंगे तो बात करूंगी कि देवरिया में कहाँ से हैं। छोटा बच्चा भी आया शिव जी के दर्शन करने, ट्रॉली में लेके जा रहे हैं। नीचे का पूरा दिख रहा है इससे। हम लोग चढ़ते जा रहे। वीर तुम बढ़े तो धीर तुम बढ़े यार। सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम डरो नहीं, तुम निडर डटे रहो। जी तो हम से आगे चल रहे हैं। अरे वो एकदम स्ट्रांग बॉय फाइन है जी। स्ट्रांग बॉय तो नहीं रह गए। कौन से बॉय हो गए मैन। चल लेते हैं उतना और कोई नहीं चल पाए। हाँ सही बात है। हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, साधना दीदी आ रही है नीचे नीचे से धीरे धीरे बेचारी। अच्छा बड़े बड़ों की हालत खराब हो जाएगी, इतनी ज्यादा खड़ी चढ़ाई है, लेकिन मैं तो चल रही हूँ। तो देखो गाइस मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। देवरिया से कुछ लोग मिल रहे हैं, पीछे से देवरिया से कुछ लोग आ रहे हैं। से हाय हाय हाय। चलो गाइस यहाँ से आपको दिखाते हैं व्यू। इतनी ऊपर आ गए हम लोग, मुझे लगता है ये सबसे टॉप की पहाड़ी है, इससे ऊपर कोई पहाड़ी नहीं है। और यहाँ से दिख रहे हैं हमारे शिव जी। मेरी तो सांसें से पूछी फूल रही है ना। अब बस वहाँ जाना है शिव जी के दर्शन करने। बाबा रे इसमें भी चढ़ाई है ऊपर, मुझे तो लग रहा है ऊपर जाएंगे फिर वहाँ से फिर ऊपर अंदर अंदर भी मुझे लगता है ऊपर जाना पड़ेगा। टॉप पे है ये, सबसे टॉप पे। और ये सामने है। ओह आहा गाइस नीचे लेक दिखाई दे रही है, जिस लेक में हम लोग गए थे। मेरे पास ड्रोन तो नहीं है, मगर मैं इतनी ऊंचाई पे हूँ कि ड्रोन का ही इफेक्ट देगा आपको ये वीडियो। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, तेरे जाप के बिना चलेगी सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे नाम की ज्योत ने सारा हर लिया तमसिया। नमो नमो दि शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। शिव जी के मंदिर के अगल बगल, मतलब उनकी मूर्ति के अगल बगल गणपति जी परिक्रमा कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा गाइस, नीचे ऑरेंज कलर के गणपति जी हैं, उनको परिक्रमा के लिए सेट कर दिया गया है, और वो पूरी टाइम टर्न करते रहेंगे चारों तरफ। अब जा रहे हैं उधर की तरफ, थोड़ी देर बाद ही आएंगे।
कैसा लगा आपको देख के? बहुत इट्स डिफरेंट। आ गई हूँ अंदर, अंदर आ चुकी हूँ गाइस, और अब तो घंटे को बजाते हैं। वो नहीं बजेगा, वो तो बांधा गया है, वो नहीं बजेगा। सब लोग अपनी फोटोज ले रहे हैं, वीडियोस क्लिक कर रहे हैं, और ये इसका पूरा एरिया है। यहाँ पे पहले नंदी जी हैं, वो फ्रंट गेट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन रहा है, तो वो है गेट, वहाँ से आना था बट हम लोग साइड से आए, अभी बंद है। और ये नंदी जी हैं, और फाउंटेन है यहाँ सामने, और ऊपर हैं शिव जी, विशाल शिव जी हमारे। हे प्रभु सब पे कृपा करना। यहाँ भी एक व्लॉग ही बन रहा है एक तरह से। और ये देखिए, मैंने जो बोला था ना, गणपति जी अभी इधर आ गए, पूरा घूम के नीचे, ऑरेंज कलर के गणपति जी पूरा घूम रहे हैं। नहीं ये बोले, यहाँ पे शिवलिंग किनारे किनारे पूरा लगा हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक। ऊपर जाना मना है, ऊपर बंद है, बट ये पूरा ये जो गोलंबर है ना स्तूप, इसके किनारे किनारे पूरे शिवलिंग ही शिवलिंग है। पूरा घूम रही हूँ मैं, आपको दिखा दूँ। और ये है शिव जी का डमरू, डम 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 डम। यहाँ से स्तूप दिख रहा है गाइस, देखिए जब हम लोग स्तूप पे थे तो शिव जी दिख रहे थे, और शिव जी के पास आए तो स्तूप दिख रहा है यहाँ से नीचे। तभी गाइस यहाँ दर्शन वर्शन हो चुका, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, उतर रहे हैं नीचे, और फोन भी मेरा ना चार्ज नहीं रह रहा है, तो अब यहाँ से व्लॉग बंद कर रही हूँ। नीचे चलते हैं फिर देखते हैं, और कहीं जाऊँगी तो फिर व्लॉग बनाऊँगी, देखती हूँ कितना चार्ज होता है। गाड़ी में भी अब सबका फ़ोन चार्ज हो रहा है, एक मेरा ही तो है नहीं, तो इसकी वजह से दिक्कत हो जा रही है। तो चलिए चलते हैं, अभी आ गए गाइस लंच करने के लिए, और दर्शन वर्शन हम लोग का हो चुका मंदिर के पास ही है। आप चलते हैं यहाँ लंच करने, कुछ खा पी लें, सब लोग बैठ गए। तो गाइस अभी आ गया है हम लोग का लंच, चार बजे नहीं जा रहा, लंच कर रहे हैं हम लोग। चलिए पहले लंच करते हैं, देखती हूँ कैसा है टेस्ट खाने में। वैसे तो यहाँ का टेस्ट डिफरेंट है। दाल साग है, दाल तो नाम मात्र, दो चम्मच दाल है, दही है और सब्जी, दो चम्मच दाल, चटनी है वो हमको लग रहा है, सब्जी है फली वाली, मटर आलू गोभी फली जो भी हो, बीन्स हो, सब्जी देख के अच्छा लग रहा है। जय भगवान, हे नपोड़ा, ठीक है टेस्ट, ठीक है नॉर्मल। फ्रेंड्स अभी खाना पीना हो गया है, और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और ये बिल्कुल बच्ची बन गई है, मैं बच्ची बन गई, सबकी छोटी बच्ची बन गई हूँ मैं, क्योंकि दो दो जीजा जी लोग हैं, दो दो दीदियाँ हैं, तितली की तरह, हाँ ये जो तितली है ना पीछे आप लोगों को दिख रही होगी, उसी की तरह मैं उड़ रही हूँ, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रही हूँ मैं, ठीक है फैमिली के साथ भी कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। कांची चोरी हो, हाँ कांची चोरी हो, सामान नहीं ना, सबकी कांची, यहाँ लड़की को कांची बोलते हैं, मैं कांची बन गई हूँ। एक चीज दिखाना था नीचे, बड़ा सुंदर सा लग रहा है, अच्छा इनकी नेपाली यही समझेंगी, हम लोग तो नहीं समझ पाएंगे। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, और इस जगह का नाम था पुंदी कोट, पुंदी कोट मतलब शिव जी का जो यह स्थान था, तो हम लोग को तो यहाँ का नाम वाम पता नहीं चलता, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पे जगह जगह, तो ये पता चल गया कि ये पुंदी कोट था। अब आप क्या नाम बता रहे थे, पुंदी कोट कुछ और बोल रहे थे, अभी गाइस उतर रहे हैं, और उतरना आसान है, चढ़ना थोड़ा मुश्किल था, और उतरने में तो फटाफट फटाफट हम लोग ऐसे 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 करके उतर जा रहे हैं, दिक्कत नहीं हो रही है। कभी गाइस आ गए एक जगह खाना खाने के लिए, सबको बहुत भूख लगी, सब बहुत थके हुए भी हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं। थक चुके हैं जितने भी ड्राइवर हैं, सारे थक चुके हैं, सारे ड्राइवर थक चुके हैं। अच्छा हाँ, गुरु बोलते हैं यहाँ पे,
अरे बापे गुरु जी तो बाल ठीक करने लगे राम्रो बन्नु पर्यो नि जता पनि यो ब्लग्स बनाएपछि भिडियो ब्लग्स बनाएपछि त राम्रो बन्नु पर्छ नि हाँ नै राम्रो बन्नु राम्रो बन्नु पर्छ सुन्दर बन्न पड्ता है ना ब्लग बना रहे हो समझ गई मैं मेरो प्यारो साली त्यस्तो बनाउँदैछ भने ओ भी मेरी प्यारी साली बना रही है कितना सीरियस होके बोल रहे हो ये दीदी तो बेचारी दोनों दीदियां जो इन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है वोमिटिंग होती है इन लोगों को फ्रेंड्स हम लोग का डिनर आ चुका है और हम जा रहे हैं आलू गोभी की सब्जी रोटी है और कुछ दाल है तो बस अब डिनर करूंगी आप लोगों से मिलते हैं बस अब डिनर करूंगी उसके बाद आप लोग से मिलते हैं गाइस फ्रेंड्स खाना पीना हम लोग का हो गया पूरा ये देखिए पूरा टेबल खाली कर दिया हम लोगों ने खा पी के कुछ भी बचा नहीं है और अब हम लोग चल रहे हैं घर को बस 15 मिनट का यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे घर घर मतलब दीदी के घर जिनके घर हम आए हैं वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद मैं व्लॉग को एंड करूँगी फ्रेंड्स कल रात को मैं हम लोग इतना थक गए थे आकर के सो गए वीडियो को एंड नहीं कर पाई तो उस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आपको मेरी नेपाल सीरीज़ कैसी लग रही है कॉमेंट करके बताएंगे तो मुझे अच्छी तरह से समझ में आएगा ओके फ्रेंड्स खुश रहिए एंड पॉजिटिविटी बांटते रहिए बाय बाय